गुड मॉर्निंग इंजीनियर बच्चों बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसके अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय आईएम योग्यता जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसके ओएमआर सीट को जो परीक्षा वाले दिन आपको जिसमें आपको उत्तर भरना है उसको कैसे भरना है, ये आपका देखिए राष्ट्रीय आईएम योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 का ओएमआर है। अब जो आप देंगे परीक्षा 2022 वाली देंगे, ठीक है, तो आपको परीक्षा वाले दिन ही वो मिलेगा, ठीक है। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, और अंत में आपको मैं फिजिकली वो दूसरे एक वीडियो से भी दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या चेंजेस अगर होते हैं तो उसमें क्या आप करना होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अगर आपने मेरे राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति परीक्षा के जो पिछले वर्ष के प्रश्न आए हैं उसको भी मैंने हल करके बताया हुआ है, तब कृपया प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें बच्चों, ठीक है। तो आइए देखिए हम शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सीरियल नंबर ऑफ आंसर शीट दिया रहेगा, जो भी आंसर शीट है वो यही आपकी आंसर शीट है, तो इसी का सीरियल नंबर है यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से बच्चों, टिप्पणी से स्टार्ट करते हैं। टिप्पणी, सर्वप्रथम रोल नंबर का अंकन करें, फिर क्रमांक 1 से 9 तक भरें, नीली डॉट या बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, अंग्रेजी की गिनती, ये देखिए अंग्रेजी की गिनती लिखनी है आपको, हिंदी वाली गिनती नहीं लिखनी है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 अथवा 4 अंकित करें। उत्तर का विकल्प भरते समय ध्यान दीजिए, उत्तर का विकल्प भरते समय कोई कटिंग या ओवरराइटिंग ना करें, ये नहीं कि आपने जैसे 2 लिख दिया, ओहो हमें तो 4 लिखना था, अब इसी को काट के 4 बना देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये नहीं करना आपको बच्चों, ठीक है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। उत्तर पत्रक को मोड़े या फाड़े नहीं, कम रहेंगे, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है बच्चों। इंस्ट्रक्शन बच्चों जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा है वही इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। राइट रोल नंबर फर्स्ट और ये सब चीज़ें फिर से हैं, डो नॉट फोल्ड द आंसर शीट, ठीक है, इसको हम फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर आइए देखें, केंद्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी के अक्षरों में साफ साफ भरें, तो अंग्रेजी के आपको अक्षरों में भरना है, ठीक है। वो भी आपके अक्षर कैसे होने चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स ओनली, ठीक है ना। राइट सेंटर नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम इन इंग्लिश, कैपिटल लेटर ओनली, तो आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। अब देखिए 1 नंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ, केंद्र का नाम, सेंटर नेम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, साफ साफ लिखा है एक खाने में एक अक्षर लिखें, ये देखिए यहाँ लिखा है एक खाने में एक अक्षर लिखें, राइट 1 कैरेक्टर इन 1 बॉक्स। अब ये तो देखिए अभी थोड़ा सा मैं देखता हूँ बड़ा हो जाए, ठीक है, हाँ बड़ा हो गया। अब आपका सेंटर नेम है देखिए आ गया सरस्वती इंटर कॉलेज, ठीक है, तो ये मेरा पेन थोड़ा सा मोटा चलेगा, तो एक बॉक्स में आपको एक ही लिखना है, ठीक है। आप क्योंकि पेन से लिखेंगे इसलिए आप लिख पाएंगे, ठीक है, सरस्वती, ठीक है, इस तरह से एक अक्षर आना चाहिए। अगर देखिए अब इंटर कॉलेज आ रहा है तो यहाँ पे एक जगह आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आइए 2 है बच्चों, कैंडिडेट नेम, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम, 2 शब्दों के बीच एक खाना खाली छोड़ें, देखिए साफ साफ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर 2 अक्षर हैं, अलग अलग शब्द हैं, तो उसमें से एक खाना आपको छोड़ देना है। जैसे मैं पहले बता रहा था, आपका मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार, ठीक है, तो RAM, फिर जगह आप छोड़ दीजिए KUMAR, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, एक जगह यहाँ वाली आपको छोड़ देनी बच्चों, ठीक है। अगर आपका सिंह है तो आप क्या करेंगे, कुमार आर का जो कुमार आया उसके बाद आप यहाँ से SING H, शर्मा है, पांडे है, तो आप इस तरह से आप बच्चों करेंगे, ठीक है, उसमें भी एक स्पेस आप छोड़ देंगे। अब देखिए पिताजी के नाम की बारी आए, ठीक है, तो श्रीमान या श्री या डॉक्टर ना लिखें, ठीक है, आपको ये एब्रिविएशंस नहीं लगाने हैं, डो नॉट राइट श्री मिस्टर और डॉक्टर, जैसे आप मिस्टर ये सब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उनका मान लीजिए सुनील कुमार है, तो SUNIL, फिर कुमार एक जगह छोड़ दीजिए फिर से, जैसे ऊपर मैंने बताया था वैसे आप कर देंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हमारा जो राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का यहाँ कोड दिया हुआ है वो 31 पहले से छपा हुआ है, किस वर्ष से ये पहले से छपा रहेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा बच्चों, ठीक है, एडमिट कार्ड अभी आ जाएगा आपको, जल्दी आने वाला है, ठीक है। परीक्षा आपकी जो है उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा जो है वो है 24 अप्रैल को, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी उसमें देखिए सेंटर कोड केंद्र संख्या आपको छपा छपाए 4 अंकों का मिला मिलेगा और रोल नंबर भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको उसको देखकर भर देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये स्थान खाली ना रहे,
मतलब इसको भरना बहुत ही जरूरी है, स्थान खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके देखिए यहाँ पे जन्मतिथि भर देनी है, ठीक है। इस जगह में आपकी जन्मतिथि होगी, जैसे मान लीजिए आपकी जन्मतिथि 0, फिर पहला महीना है तो 01 लिख देंगे, ठीक है, 1998, ठीक है, जो भी आपका है 2001 2002, उस तरह से आप भर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आई बारी लिंग, आपका सेक्स कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आप मेल हैं, अगर आप लड़के हैं तो आप 1 लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए नंबर 6 है, इसमें पहले जो भरना है मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 6 जो है वो जाति है, कास्ट को लेकर है, ठीक है। सामान्य जाति है तो आप क्या भरेंगे, 1 भर देंगे इस वाले बॉक्स में, ठीक है। अनुसूचित जाति हैं तो आप 2 भरेंगे, अनुसूचित जनजाति हैं तो आप 3 भरेंगे, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, तो आप 4 भरेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में आपको इस तरह से भरना है, जो भी संख्या होगी आप उसको यहाँ बॉक्स में यहाँ भर देंगे बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आप ये आ गया क्षेत्र, एरिया, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल हैं, तो आप 1 भरेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र से अर्बन हैं तो आप क्या भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे बच्चों, क्लियर है। अब भाई नंबर 8 वाले ऑप्शन को देखें, चुनौती ग्रस्तता की स्थिति, डिजेबिलिटी स्टेटस, कि चलन क्रिया में आपको चलने में दिक्कत है। ये बच्चों जो हमारे दिव्यांग कुछ बच्चे होते हैं तो ये उनके लिए है कि अगर उनको कोई समस्या है, ठीक है, हड्डी की समस्या है तो 1 नंबर, ठीक है, श्रवण दोष सुनने की समस्या है कान से तो 2 नंबर, पूर्ण दृष्टि दोष अगर एकदम अंधे हैं मान लीजिए उनको दिख नहीं पाता है तो 3 नंबर, अल्प दृष्टि दोष अगर उनके लो विज़न है उनको देखने में हल्का दिखता है लेकिन कम दिखता है तो 4 नंबर, और कोई नहीं है तो 5। तो भाई मैक्सिमम बच्चे तो 5 ही भरेंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ ही बच्चों को ये समस्या रहती है, ठीक है। इसके बाद आइए नंबर 9 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, RUFF डिपेंडेंट, मतलब फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, ठीक है। तो अगर आपके कोई फैमिली में दादा या उनके ऊपर कोई स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ठीक है, तो आप 1 भरेंगे, नहीं है तो आप क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको हम ध्यान से पढ़ें, नीचे वाला जो लिखा है, एक खाने में एक अंक लिखें जो दूसरे खाने को स्पर्श ना करे, एक खाने में एक विकल्प इस प्रकार लिखें, ठीक है, राइट द बॉक्सेस विदाउट टचिंग दैम, राइट वन चॉइस इन वन बॉक्स लाइक दिस। तो देखिए बॉक्स में इस तरह से करना है, और ये उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए कोई प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए है कि विकल्प 2 वहीं से कुछ क्लियर बच्चों, थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इंग्लिश वाला ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, इफ़ यू थिंक डेट ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट राइट इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ। अब देखिए इसका कहना था कि अगर मान लीजिए पहले वाले प्रश्न का जो पहला प्रश्न है मान लीजिए क्वेश्चन 1, उसका आपको लगता है कि ऑप्शन 2 सही है, ठीक है, तो आपको 1 नंबर के सामने उत्तर 2 को इस तरीके से लिखना है, कहीं अगल बगल छूना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आइए OMR सीट पे आएँ, जो मेन हमें आपको आज आपको सिखाना है, ठीक है, ये OMR है बच्चों हमारा। तो अब जैसे ये बता रहे थे कि इसमें नोट में दिया हुआ है कि 1 का मान लीजिए पहला उत्तर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 में यहाँ पे ऐसे 2 लिखेंगे, कहीं और छूना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आपको कुल मिला के इसमें संख्या भरनी है, ठीक है, दूसरे का मान लीजिए तीसरा सही है तो 3 भर दीजिए, तीसरे का मान लीजिए पहला सही है तो ऐसे भर दीजिए, इस तरीके से बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए भाग 1 पार्ट 1 GMAT, ठीक है, भाग 2 पार्ट 2 SAT, ठीक है। तो इसमें ये है, इसमें कुल कितने GMAT में प्रश्न है, कुल देखिए GMAT में आपके 90 प्रश्न हैं, तो 1 से 90 तक यहाँ हो गया, ठीक है, और SAT में आपका है, SAT में 91 से लेकर बच्चों, ठीक है, देखिए 91 से शुरू होगा ये प्रश्न संख्या। अभी मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा, तो अभी आप जाइएगा नहीं, इसको पूरा देख लीजिए, 180, तो कुल 180 प्रश्न हैं, 180 खाने हैं बच्चों, ठीक है, क्लियर है, आप उत्तर भर दिए। अब देखिए आखिरी में क्या दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो जो भी आपका है हस्ताक्षर आप हिंदी में करना चाहें, इंग्लिश में मान लीजिए राम कुमार, कोई अभ्यर्थी है तो अपना राम कुमार नाम लिख देगा, ठीक है। और जो कक्ष निरीक्षक उस कमरे में रहेंगे, जो आपको कॉपी पेन और आपको देखेंगे आप नकल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर अपना साइन करेंगे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से ये देखिए आज ये OMR मैंने समझाया है, अभी इसके बाद में जस्ट आपको ओरिजिनल एक पेपर दिखा रहा हूँ और सीट को भी दिखा रहा हूँ बच्चों।
बच्चों जो आप OMR देख रहे थे उसकी ये असली कॉपी है, ठीक है। तो ये देखिए वही सब चीज़ें इसमें, थोड़ा सा देखिए मुझे लग रहा था कि शायद धुंधला आएगा, तो इस वजह से मैं इसको सोचा आपको आखिरी में दिखा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से देखिए वही सब चीज़ें हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये तो एडमिट कार्ड आ जाएगा तब क्लियर होगा कि आपको किस तरह का भरना है। कभी कभी गवर्नमेंट हमारी चेंज कर देती है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इस समय बच्चों ये देखिए गोला भरने वाला चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, मान लीजिए पहले का दूसरा सही है, ये डी सही है, आखिरी सही है, तो इसको डी को आप काला कर देंगे। तो इसका बस आप ध्यान रखेंगे कि कुछ अगर बदलाव होता है तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, जहाँ हम संख्या लिख रहे हैं वहाँ आपको गोला बनाना पड़ेगा। अब ये आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए 2021 का पेपर है, जो लास्ट ईयर हुआ था राष्ट्रीय आय का, ये आपके स्टेट कोड भी देखिए उत्तर प्रदेश का है, 31 नंबर डला हुआ है बच्चों, ठीक है। और ये 2021 का लिखा हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो है पेपर है वो है वही पार्ट वन है, खंड एक, GMAT 2021। तो इसमें कुल आपको दिखाना चाहूँगा, ऐसे ही आप करेंगे पहला का क्या उत्तर सही है, इस तरह से आप करते चले जाएंगे। कुल देखिए इसमें जो प्रश्न है मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कुल प्रश्न है आपके ये देखिए 90 हैं, कुल प्रश्न 90 हैं, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे 90 पे। फिर ये देखिए आपका स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण का है, सैट, ठीक है, खंड दो। तो इसमें भी देखिए जो आते हैं सवाल क्या आएंगे, साइंस के सवाल हैं, सोशल साइंस के सवाल हैं, मतलब सामाजिक अध्ययन के हैं, विज्ञान के 91 से 125 तक हैं, सामाजिक अध्ययन से 126 से 160 हैं, और गणित के 161 से 180 तक हैं, कुल 20 प्रश्न गणित के आपके, ठीक है। तो इसको आप करते चले जाएंगे इन सवालों को, ठीक है। मैंने गणित के सवाल ऐसे विधिवत समझाए हुए हैं, इसका भी मैं अभी डाल दूंगा। इसमें भी देखिए कुल 180 यहाँ तक एंड हो जाता है बच्चों, ठीक है। आप बस मैं ये कहूँगा आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप जुड़े रहिए, मैं आने वाले समय में आपको कुछ क्वेश्चंस हल करके भी बताऊंगा बच्चों। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।